अस्सलाम एवरीवन, माय नेम इज हामिद हुसैन और आप देख रहे हैं कॉमर्स ऑनलाइन। इकोनॉमिक्स का सोल्ड गेस्ट पेपर चैनल पर मौजूद है, प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स का भी गेस्ट पेपर चैनल पर मौजूद है। एग्जाम सब आपके करीब है, एक्सपेक्टेड है कि 9 तारीख को हो। आज मैं इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर सॉल्व करवाऊंगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं दो बातें आपको कहना चाहता हूं। पहली ये कि वीडियो को लाजमी फेसबुक पर इसका लिंक और व्हाट्सएप पर इसका लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और दूसरी बात ये कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। इन दोनों बातों से होगा ये कि एक तो जो वीडियो है वो दूसरे स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी, आपको अगर ये वीडियो मिली है आपका भला होगा, दूसरे स्टूडेंट्स का भी फायदा हो, तो और मेरे लिए बहुत सी दुआएं कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं, अंडर परफेक्ट कंपटीशन रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स आर, इनकी जो शेप है ये हॉरिजॉन्टली होती है। अब मैं ड्रॉ भी करके आपको बता देता हूं कि देखें किस तरह से ये शेप होती है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये दो एक्सिस बन गए। यहां पर जो एक्सिस होता है हमारे पास, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और यहां पर जो हमारे पास एक्सिस होता है इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। तो परफेक्ट कंपटीशन में आपके पास एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का ये जो कर्व है ये इस तरह होता है, और ये बराबर होता है प्राइस के। इसका मतलब ये कि ए आर बराबर है पी, पी यानी के प्राइस, और ये बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के। तो ये याद रखिएगा। आप इन एमसीक्यूज को मुकम्मल देखिएगा और आई एम श्योर के बहुत सारे एमसीक्यूज इस के बाद आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो हॉरिजॉन्टली कर्व किस तरह होगा, इस तरह। और ये याद रखिए, पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि भाई एवरेज रेवेन्यू बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के, या रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू बताएं परफेक्ट कंपटीशन में। तो आपको ये कर्व बनाना है और लिख देना है कि इन परफेक्ट कंपटीशन एवरेज रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, और आई एम श्योर आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इज कॉल्ड, ये है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। नेक्स्ट आपके पास सवाल है, द टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू, याद रखिए टोटल कॉस्ट बराबर है टोटल फिक्स कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसकी भी मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आएगा इसका शॉर्ट क्वेश्चन के भाई रिलेशनशिप बताएं फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के। मैंने सॉल्व गेस्ट पेपर बनाया है, उसमें आपके पास ये लिंक भी मौजूद है और वीडियो भी मौजूद है। आप वीडियो से उस गेस्ट पेपर का लिंक डाउनलोड कीजिएगा और सॉल्व गेस्ट पेपर है, याद कीजिएगा 20 पेजेस हैं टोटल माइक्रो मैक्रो के, और उम्मीद है कि वो याद करने के बाद आप पेपर में कंप्लीट मार्क्स स्कोर करेंगे। ये देखिए, ये आपके पास वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स रहती है, तो ये आपकी फिक्स कॉस्ट है। अच्छा जी, जो वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है जैसे जैसे यूनिट बढ़े, तो आपने बोला ये वेरिएबल कॉस्ट है। और टोटल कॉस्ट इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, टोटल कॉस्ट आपकी स्टार्ट होगी यहां से, ये आपकी टोटल कॉस्ट है। अच्छा, अगर पेपर में सवाल पूछे कि भाई फिक्स कॉस्ट क्या है, कॉस्ट विच रिमेन फिक्स फॉर द सर्टन लेवल ऑफ प्रोडक्शन, तो ये फिक्स कॉस्ट है। आपसे फिक्स कॉस्ट की डायग्राम बनाया जो मैंने ब्लू से बनाई है सर। अगर पूछे व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, तो कॉस्ट विच चेंज विद द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इट इज कॉल्ड वेरिएबल कॉस्ट। तो सिर्फ ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रॉ करें और यहां पर ये वेरिएबल कॉस्ट वाला रेड से कर्व बना दें, वेरिएबल कॉस्ट बन जाएगा। टोटल कॉस्ट को पूछे, टोटल कॉस्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट।
दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये आपका टोटल कॉस्ट बन जाएगा। यूं आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। दो तीन लाइनों की डेफिनेशन आपने लिखनी है और आपने डायग्राम बना दिए। फिक्स कॉस्ट की एग्जांपल हमारे पास सैलरी होती है मैनेजर की जो कि फिक्स है, रेंट होता है जो कि फिक्स है, वेरिएबल कॉस्ट की हमारे पास जो एग्जांपल है वो रॉ मटेरियल होता है। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी जो है ये हमारे पास गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर की पॉलिसी होती है। इसमें गवर्नमेंट खर्चा करती है और रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो सोर्सेज है उनको देखती है। अच्छा क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज गिवन बाय ये आइविंग फिशर ने क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी प्रेजेंट की है। अच्छा ये एमसीक्यूज कंडेंस सिलेबस में से नहीं है बेसिकली क्योंकि जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है ये ओमिट कर दिया गया है। लेकिन आई विल रिकमेंड कि आप बहुत से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि कंडेंस में है या नहीं है वो कीजिएगा। पॉसिबल है एमआरटी पॉसिबल के पेपर बनाने वाला जो है एमसीक्यूज बाहर से दे दे, लेकिन क्वेश्चंस आई एम 200% श्योर के कंडेंस सिलेबस से ही आएंगे। नेक्स्ट है व्हेन टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी या आपके पास जीरो होता है। अच्छा मैंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी याद रखिएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग में, और ग्राफ और चार्ट यानी टेबल बनाना बहुत जरूरी होता है इसमें। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी चैनल पर मौजूद है, आप लाजमी इस वीडियो को देखिएगा। इससे दो बातें क्लियर होंगी कि यूटिलिटी वाला सारा जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा, और इसके साथ साथ आपको भी पता चलेगा कि मार्जिन यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है, नेगेटिव यूटिलिटी क्या है, पॉइंट ऑफ स्टेडी क्या है। एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो वीडियो को लाजमी देखिएगा, लिंक आपको ऊपर इसका जो नजर आ रहा होगा आप इस पे इस वीडियो के बाद आप उस लिंक को भी देखिएगा और डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट। और अगर आपको लिंक नजर ना आए तो फिर आप प्लेलिस्ट में इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप चैनल पर भी देख सकते हैं, वहां पर भी मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए और उसमें ये मॉडल ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी मैंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ग्राफ और डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिएगा इकोनॉमिक्स में नंबर हासिल करने के लिए, वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जिसमें ग्राफ और डायग्राम बनी हुई है, ग्राफ है और टेबल है, वो डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू स्कोर गुड मार्क्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं अंडर परफेक्ट मार्केट, अंडर परफेक्ट इम्परफेक्ट मार्केट, जो आपके पास इम्परफेक्ट मार्केट होती है वहाँ गुड्स जो होती हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं, यानी अलग अलग होती हैं, एक जैसी नहीं होती। परफेक्ट कंपटीशन में गुड्स होमोजेनियस होती है। नेक्स्ट है टू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, नेशनल इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से, इसको जीडीपी पर कैपिटा भी बोलते हैं, पर पर्सन इनकम भी बोलते हैं। रिवॉर्ड विदाउट एनी सर्विस, यानी आप कोई काम नहीं करें फिर भी आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स हैं। इसका मतलब ये आपके अंकल, आपके मामू, चाचू, खाला वो अब्रॉड हैं और वहाँ से पैसे भेज रहे हैं, तो ये ट्रांसफर पेमेंट्स कहलाती हैं। ऑल फैक्टर्स बिकम्स वेरिएबल इन लॉन्ग रन, लॉन्ग रन में तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो वेरिएबल होते हैं, शॉर्ट रन में तीन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं सिवाय लैंड के, ठीक है। तो लैंड शॉर्ट रन में फिक्स होता है और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लॉन्ग रन में वेरिएबल हो जाते हैं। ट्रेड साइकिल को हम जो है वो बिजनेस साइकिल भी बोलते हैं। इसके फोर फेसेस होते हैं, याद रखिएगा कितने फेसेस होते हैं, फोर, बूम, रिसेशन, रिकवरी और डिप्रेशन। नेक्स्ट आपके पास है अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, अच्छा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है कौन पहले तो बताएं, तो एल्फर्ड मार्शल हमारे पास जो है वो न्यू क्लासिकल कहलाते हैं, और क्लासिकल इकोनॉमिक्स यानी एडम स्मिथ ये हमारे पास फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं, इन्होंने बोला इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ है। अच्छा मैं फिर बताता चलूँ कि प्लेलिस्ट में बहुत सी वीडियोज़ हैं इकोनॉमिक्स की, आप उन्हें देखिएगा, अभी आपके पास टाइम है, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, उन वीडियोस को देखेंगे आप तो इंशाल्लाह ताला आपके जो कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। सर जाहिर सी बात है एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसको समझ के पढ़ें, और इसके साथ साथ आपकी नॉलेज भी इंक्रीज होगी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, अच्छा लॉ ऑफ डिमांड अगर प्राइस डिक्रीज होती है दैट मीन्स प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड विल बी एक्सपेंस, याद रखिएगा एक्सपेंस का मतलब बढ़ना। अच्छा राइज इन राइज कब होगा, जब प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स की वजह से
डिमांड चेंज हो रही है, तो इसको हम राइज बोलेंगे। दोबारा बता दूं, प्राइस के अलावा दूसरे फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड चेंज हो रही है इसको बोलेंगे राइज। अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो रही है इसको हम बोलेंगे एक्सपेंड। अच्छा, जब प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होती है तो आपका डिमांड कर्व वैसे बनता है। प्राइस के अलावा दीगर फैक्टर्स की वजह से जब डिमांड चेंज होती है तो आपका डिमांड कर्व फिर ऐसे बनता है, क्योंकि प्राइस सेम होती है तो इसको हम बोलते हैं चेंज इन डिमांड। ये आपके पास चेंज इन डिमांड है, चेंज इन डिमांड, और ये आपके पास चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। तो जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है ये बेसिकली आपके पास आपको बताता है कि भाई प्राइस चेंज होगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ये आपके पास बता रहा है। और ये जो आपके पास चेंज इन डिमांड है ये बताता है कि प्राइस फिक्स से डिमांड चेंज हो रही है। तो जब भी चेंज इन डिमांड हो, याद रखना चेंज इन डिमांड, तो डिमांड राइज या फॉल हो रही है। और जब भी प्राइस की वजह से डिमांड बढ़ी या कम हो रही है उसको हम एक्सपेंड बोलेंगे। तो उसका डिमांड कर्व हमारे पास कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है। बुक में डिमांड कर्व आपका इस तरह से बना होगा, इसका डाउनवर्ड स्लोप होगा। अच्छा, नेक्स्ट आ जाए प्राइस लास्ट ऑफ डिमांड फॉर नेसेसिटी, ये लेस देन जीरो होता है। लेस देन जीरो का मतलब है कि भाई आपकी प्राइस कम चेंज हो, ज्यादा चेंज हो रही है और डिमांड उसका कम रिस्पॉन्स दे रही है। नेक्स्ट है द एवरेज शेयर ऑफ नेट इनकम। देखो ये एमसीक्यू दोबारा आ गया, अभी मैंने ऊपर भी बताया पर कैपिटा इनकम कहलाएगा, और पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, टोटल इनकम को हम डिवाइड कर देते हैं टोटल पॉपुलेशन से। नेक्स्ट है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, जब इन्फ्लेशन होता है तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ मनी ये डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है महंगाई बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन में परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम हो जाती है, यानी वैल्यू ऑफ मनी कम हो जाती है और बाइंग पावर कम हो जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। तो याद रखिएगा ये वाला एमसीक्यूज भी कंडेंस सिलेबस से बाहर से है, लेकिन एमसीक्यूज की तैयारी कीजिएगा। टोटल रेवेन्यू इंक्रीज एट अ कॉन्स्टेंट रेट अंडर दिस मार्केट, टोटल रेवेन्यू जो है वो परफेक्ट कंपटीशन में कांस्टेंट रेट से बढ़ रही होती है। ये किस तरह बढ़ती है ये मैंने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस में बताया है। आप मार्केट, आप जो लिंक जो दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में सॉल्व्ड गैस पेपर का, वो लाजमी उसमें से क्वेश्चंस हैं ये देखिएगा, समझिएगा। कोई प्रॉब्लम हो हमारा ग्रुप फेसबुक पर मौजूद है, कॉमर्स ऑनलाइन ग्रुप मौजूद है, पेज भी है, पेज को लाइक कीजिएगा, ग्रुप भी है, पेज पर वीडियोस अपलोड कर रहा होता हूँ, और ग्रुप में आप लोग के सवालात का जवाब हो रहा होता है। आप अपने क्वेश्चंस, अपनी प्रॉब्लम्स भी वहाँ ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है इसका बर्डन हम शिफ्ट कर सकते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट ये जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये लगाती है कंपनीज पे, और फिर ये जो कंपनीज है ये कंज्यूमर पर ट्रांसफर कर देती हैं। द मोनोपोली मींस, मोनोपोली का मतलब ये है कि भाई सिंगल सेलर है, जैसे पाकिस्तान में के इलेक्ट्रिक है, कराची में के इलेक्ट्रिक है, एक ही बंदे, एक ही कंपनी जो बिजली बेच रही है, तो इसका मतलब ये। व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर देयर पीक, पीक इसको हम बोलते हैं बूम, ठीक है। द कैनन ऑफ टैक्सेशन वर प्रेजेंटेड बाय एडम स्मिथ, एडम स्मिथ ने कैनन ऑफ टैक्सेशन पेश किया, इसका मतलब टैक्सेशन के असूल। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न स्पेशली अप्लाई ऑन इंडस्ट्रियल सेक्टर। नेक्स्ट है द शॉर्ट रन एवरेज कर्व, तो ये यू शेप कर्व होता है हमारे पास। शॉर्ट रन एवरेज कर्व किस तरह बनता है ये भी मैंने गैस पेपर में मौजूद है, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट एंड आपके पास मार्जिनल कॉस्ट, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया है, आप देखिएगा। ना समझ में आए तो हमारे ग्रुप फेसबुक लाइन, फेसबुक का जो ग्रुप है कॉमर्स ऑनलाइन, उस पर लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट है द इनिशियल यूटिलिटी ऑफ कंजम्पशन इज, ये हमारे पास हाइस्ट होता है। अच्छा, वंस अगेन चैनल पर वीडियोज मौजूद हैं कि जिसमें इनिशियल यूटिलिटी, मार्जिन यूटिलिटी
और पॉइंट ऑफ सीडीड ये बताया। इस कॉन्सेप्ट को जरा समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि लॉन्ग में ये क्वेश्चन लाजमी आएगा, तो आप वो वीडियो लाजमी देखेगा, चैनल पर मौजूद है। नेक्स्ट है कॉस्ट विच अ फर्म पे टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट, इसको मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। याद रखिए मार्जिनल का मतलब है इजाफी, इजाफी यूनिट जब भी आपको प्रेजेंट करना हो तो ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट कहलाता है। इस तरह इजाफी आमदनी, एक यूनिट बेचा आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू हो रही है, ये मार्जिनल रेवेन्यू है। एक यूनिट प्रोड्यूस करने पर एक यूनिट आप इजाफी प्रोड्यूस कर रहे हो तो ये आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। जब भी फर्म इक्विलिब्रियम हासिल करती है तो मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट बराबर होते हैं, जबकि मार्जिनल कॉस्ट कट्स करता है मार्जिनल रेवेन्यू को बिलो। और ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाजमी लाजमी तौर पर। और ये वीडियो तो वन सेकेंड बता रहा हूँ, फेसबुक पर शेयर कर दें भाई, आपको उस लेक्चर पसंद आया डेफिनेटली क्योंकि आपने यहाँ तक देख लिया है, तो फेसबुक पर शेयर कर दें, अपनी वॉल पर आपके फ्रेंड्स देखेंगे, फ्रेंड्स ना भी देखें तो वो वीडियो वॉल पर होगी तो डेफिनेटली कोई आपके अंकल रिलेटिव कोई फ्रेंड होगा, उनका कोई दोस्त फर्स्ट ईयर में होगा, कोई बच्चा फर्स्ट ईयर में होगा जिसको ये जरूरत होगी, तैयारी नहीं है एग्जाम्स की लोगों की, क्योंकि सेंटर्स भी ऑफ हैं और कॉलेजेस भी ऑन एंड ऑफ रहे, तो बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो लिहाजा दूसरों के साथ भलाई कीजिए और ये वीडियो लाजमी शेयर करें अपनी। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ ट्रेड, याद रखिएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ विजिबल आइटम्स होते हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल और इनविजिबल दोनों होते हैं। विजिबल आइटम जो कि पोर्ट पर रिकॉर्ड होते हैं, गुड्स जैसे मिसाल के तौर आपका मोबाइल विजिबल आइटम है, ये एक मकाम से दूसरे मकाम तक जाएगा, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाएगा, ये विजिबल आइटम है, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड में इंक्लूड होगा। विजिबल एंड इनविजिबल गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल एंड इनविजिबल दोनों है। दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी। अच्छा फंक्शन ऑफ मनी क्या है, फंक्शन ऑफ मनी में ये जनरल एक्सेप्टेबिलिटी है ना कि भाई इसको हर कोई बंदा हर जगह एक्सेप्ट करे, ये फंक्शन ऑफ मनी नहीं है, ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी है। अच्छा एडम स्मिथ रोड द बुक 1776। अच्छा मैं एक बात बताता चलूं, एडम स्मिथ ने भी एक किताब लिखी है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, और अल्फ्रेड मार्शल ने बुक लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और रॉबिन्स ने बुक लिखी है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। इनके बारे में डिटेल में एक एक वीडियो बनाई हुई है, चैनल पर मौजूद है। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स आप वो वीडियो लाजमी देखिएगा, अल्फ्रेड मार्शल की, रॉबिन्स की और एडम स्मिथ की, उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ है, उन्होंने बुक कब लिखी, उसमें क्या इंपॉर्टेंस है याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इनके बारे में वीडियोस मौजूद हैं चैनल पर, तो लाजमी पढ़िएगा देखिएगा। नेशनल इनकम इज मेजर्ड बाय, तीनों मेथड से मेजर होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज आल्सो नोन एज थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थ्योरी बोलते हैं याद रखिएगा। अच्छा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न ये एग्रीकल्चर पर अप्लाई होता है, यानी जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बनाते जाएं तो उसकी प्रोडक्टिविटी, जमीन की प्रोडक्टिविटी कम होती जाती है। द रिवॉर्ड ऑफ कैपिटल इज, कैपिटल का जो रिवॉर्ड है आपके पास वो इंटरेस्ट है। लेबर का रिवॉर्ड वेज है, फिर बता रहा हूँ लेबर का रिवॉर्ड वेज है, जमीन का यानी लैंड का रिवॉर्ड रेंट है, और एंटरप्रेन्योर का रिवॉर्ड प्रॉफिट है, और नेक्स्ट आपके पास है अंडर परफेक्ट कंपटीशन। और ये मैंने देखो अभी आपको बताया ऊपर डायग्राम बना के कि प्राइस बराबर होती है मार्जिनल रेवेन्यू, और मार्जिनल बराबर रेवेन्यू बराबर होती है एवरेज रेवेन्यू की। द एबिलिटी ऑफ अ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, इसकी यूटिलिटी बोलती हूँ, यूटिलिटी क्या है बेसिकली ये भी मैंने वीडियो में बताया है, वंस अगेन बता रहा हूँ आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स हैं, तो लाजमी इन वीडियोज को फेसबुक पर शेयर कीजिए, पुरानी वीडियोज हैं नई वीडियोज हैं, इससे फायदा होगा लोगों का और बहुत सी हेल्प हो जाएगी आप सबकी। तो अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी कीजिएगा, इस वीडियो को वंस अगेन शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जाते जाते एक ज़रूरी बात बताता चलूं कि आपकी सहूलत के लिए एक टेस्ट एमसीक्यूज का चैनल पर मौजूद है, उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिएगा, आपको आपके मार्क्स फौरन पता चल जाएंगे, गलत सवाल जो आपने किए वही पता चल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टिल देन अल्लाह हाफिज़।